नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्मा शुक्रवार को स्वदेश लौट आएंगे। भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय पायलट को शुक्रवार को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके पाकिस्तानी सेना के हाथों पकड़े जाने की खबर आने के बाद सोशल मीडिया को रोज जल्द उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। अपने बहादुर पायलट अभिनंदन की वापसी खबर आने से पूरे देश में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर अभिनव की वापसी की खबर आती #वेलकम ट्रेंड चल रहा है। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्मा को बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने कैद कर लिया था। बुधवार को सुबह सुबह जब पाकिस्तान विमान ने भारतीय हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की, विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया। इसी तरह उनका विमान भी क्षतिग्रस्त होगा। वह पैराशूट से कूदने के लिए पाकिस्तान सेना ने उन्हें कैद कर लिया। पाकिस्तान कैद होने के बावजूद अभिनंदन के चेहरे पर डिप्रेशन था। सोशल मीडिया पर लोग पायलट अभिनंदन के स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। वही ट्विटर पर अभिनेत्री जैन ने लिखा, विंग कमांडर घर आने की खबर इतनी खुशी मिली है कि अपनी बिस्तर से कूदने लगा, बहुत राहत मिली है, उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार रहेगा। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। पुलवामा में जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। सूत्रों के मुताबिक एक दर्जन विराज विमानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को लगभग 100 किलो विस्फोटक गिराए हैं। सूत्रों के अनुसार वायुसेना ने करीब 12 मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल करते हुए पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। खबर यह आ रही है कि जिस जैश के कई प्रमुख सरगना भारत में ऐसे हमले की पहले से अंदाजा लगा चुके थे और उन्हें अपने ठिकाने बदल लिए थे। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले की आशंका जैश के अफवाहों को पहले से ही थी, इसलिए उन्हें उनके कई प्रमुख आतंकी आकाश सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। जैश ए मोहम्मद की खुफिया मौलाना मसूद अजहर का भाई भी शायद पंजाब के अपने ठिकानों से कहीं और चला गया। सूत्रों के अनुसार मौलाना मसूद अजहर भी खुद को बलरामपुर जैश कैंप में नहीं है। भारतीय वायुसेना ने करीब 1000 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना ने यह स्वीकार किया था कि भारतीय विमानों ने उनकी सीमा में घुसकर विस्फोटक किया है। मंगलवार को तड़के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफ्फार ट्वीट ने किया, भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया, पाकिस्तान वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की, भारतीय विमान वापस चले गए। कपूर की तरफ से इस दावे के लिए डिट्वीट किया गया। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और पाकिस्तान की गिरफ्त में जो हमारा सैनिक है वो छोड़ डाले तो इस वीडियो का कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पर पाकिस्तान सेना की कार्रवाई ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। बुधवार सुबह हवाई मुकाबले में नियंत्रण रेखा पर गिरे MiG-18 कॉम्बैट पायलट ने पाकिस्तान के F-160 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। सूत्रों ने बताया कि टकराव के उस समय हुआ जब पाकिस्तान वायुसेना के विमान LOC पर सैन्य तैनात हुए थे। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत की तरफ से 2 मिग विमान उड़ाए गए थे, उसमें कॉम्बैट पेट्रोलिंग की जांच हो रही थी। वर्तमान पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर रहे F-16 पर शॉर्ट रेंज वाले 73 मिसाइल दागने का काम कर रहे थे। इसी दौरान MiG-21 LOC पार कर गया, जिसके बाद उसे सर्वेस टू एयर मिसाइल या दूसरे किसी पाकिस्तानी विमान ने मार गिराया। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी विमान 2 सीट वाला था और उनके मुकाबले भारत का विमान बहुत तेजी से उड़ रहा था। भारत को बिना किसी नुकसान किए पाकिस्तान विमान पीछे हट गए। एक अधिकारी ने कहा कि एक बात का सबूत है कि F-16 को गोली मारी गई थी, हमारे MiG-21 विमान उसके पीछे किया। पाकिस्तान ने वर्तमान की वीडियो MiG-21 की तस्वीरें साझा की है। अभी भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो अपने कमांडो को किसी तरह पाकिस्तान की गिरफ्त से छुड़ा सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान का गिरफ्त से भारत के सैनिक छुट पाएगा? आपके वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्मा शुक्रवार को स्वदेश लौट आएंगे। भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय पायलट को शुक्रवार को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके पाकिस्तानी सेना के हाथों पकड़े जाने की खबर आने के बाद सोशल मीडिया को रोज जल्द उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। अपने बहादुर पायलट अभिनंदन की वापसी खबर आने से पूरे देश में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर अभिनव की वापसी की खबर आती #वेलकम ट्रेंड चल रहा है।
भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्मा को बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने कैद कर लिया था। बुधवार को सुबह सुबह जब पाकिस्तान विमान ने भारतीय हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की तो विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया। उसी दौरान उनका विमान भी क्षतिग्रस्त होगा। वह पैराशूट से कूदने के लिए तो पाकिस्तान सेना ने उन्हें कैद कर लिया। पाकिस्तान कैद होने के बावजूद अभिनंदन के चेहरे पर डिप्रेशन था। सोशल मीडिया पर लोग पायलट अभिनंदन के स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ट्विटर पर अभिनेत्री जैन ने लिखा, विंग कमांडर घर आने की खबर इतनी खुशी मिली है कि इतनी बिस्तर से कूदने लगा, बहुत राहत मिली है, उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार रहेगा। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। पुलवामा में जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। सूत्रों के मुताबिक एक दर्जन विराज विमानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को लगभग 100 किलो विस्फोटक गिराए हैं। सूत्रों के अनुसार वायुसेना ने करीब 12 मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल करते हुए पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। खबर यह आ रही है कि जिस जैश के कई प्रमुख सरगना भारत में ऐसे हमले की पहले से अंदाजा लगा चुके थे और उन्हें अपने ठिकाने बदल लिए थे। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले की आशंका जैश के आंकड़ों को पहले से ही थी, इसलिए उन्हें उनके कई प्रमुख आतंकी आकाश सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। जैश ए मोहम्मद की खुफिया मौलाना मसूद अजहर का भाई भी शायद पंजाब के अपने ठिकानों से कहीं और चला गया। सूत्रों के अनुसार मौलाना मसूद अजहर भी खुद को बलरामपुर जैश कैंप में नहीं है। भारतीय वायुसेना ने करीब 1000 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना ने यह स्वीकार किया था कि भारतीय विमानों ने उनकी सीमा में घुसकर विस्फोटक किया है। मंगलवार को तड़के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफ्फार ट्वीट ने किया, भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया, पाकिस्तान वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की, भारतीय विमान वापस चले गए। कपूर की तरफ से इस दावे के लिए रिट्वीट किया गया। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और पाकिस्तान की गिरफ्त में जो हमारा सैनिक है वो छोड़ डाले तो इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पर पाकिस्तान सेना की कार्रवाई ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। बुधवार सुबह हवाई मुकाबले में नियंत्रण रेखा पर गिरे MiG-18 कॉम्बैट पायलट ने पाकिस्तान के F-160 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। सूत्रों ने बताया कि टकराव के उस समय हुआ जब पाकिस्तान वायुसेना के विमान LOC पर सैन्य तैनात हुए थे। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत की तरफ से 2 विंग विमान उड़ाए गए थे, उसमें कॉम्बैट पेट्रोलिंग की जांच हो रही थी। वर्तमान पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर रहे F-16 पर शॉर्ट रेंज वाले 73 मिसाइल दागने का काम कर रहे थे। इसी दौरान MiG-21 LOC पार कर गया, जिसके बाद उसे सर्वेस टू एयर मिसाइल या दूसरे किसी पाकिस्तानी विमान ने मार गिराया। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी विमान 2 सीट वाला था और उनके मुकाबले भारत का विमान बहुत तेजी से उड़ रहा था। भारत को बिना किसी नुकसान किए पाकिस्तान विमान पीछे हट गए। एक अधिकारी ने कहा कि एक बात का सबूत है कि F-16 को गोली मारी गई थी, हमारे MiG-21 विमान उसके पीछे किया। पाकिस्तान ने वर्तमान की वीडियो MiG-21 की तस्वीरें साझा की है। अभी भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो अपने कमांडो को किसी तरह पाकिस्तान की गिरफ्त से छुड़ा सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान का गिरफ्त से भारत के सैनिक छुट पाएगा? आपके वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्मा शुक्रवार को स्वदेश लौट आएंगे। भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय पायलट को शुक्रवार को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके पाकिस्तानी सेना के हाथों पकड़े जाने की खबर आने के बाद सोशल मीडिया को लोग जल्द उनके रिहाई की मांग कर रहे थे। अपने बहादुर पायलट अभिनंदन की वापसी खबर आने से पूरे देश में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर अभिनव की वापसी की खबर आती #वेलकम ट्रेंड चल रहा है। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्मा को बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने कैद कर लिया था। बुधवार को सुबह सुबह जब पाकिस्तान विमान ने भारतीय हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की तो विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया। उसी दौरान उनका विमान भी क्षतिग्रस्त होगा। वह पैराशूट से कूदने के लिए वो पाकिस्तान सेना ने उन्हें कैद कर लिया। पाकिस्तान कैद होने के बावजूद अभिनंदन के चेहरे पर डिप्रेशन था। सोशल मीडिया पर लोग पायलट अभिनंदन के स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ट्विटर पर अभिनेत्री जैन ने लिखा, विंग कमांडर घर आने की खबर इतनी खुशी मिली है कि इतनी बिस्तर से कूदने लगा, बहुत राहत मिली है, उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार रहेगा।
पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और पाकिस्तान की गिरफ्त में जो हमारा सैनिक है वो छोड़ डाले तो इस वीडियो का कमेंट